हाय गाइस, आज मैं जा रही हूँ खेत। तो चलिए देखो, मैंने कीटा डाला हुआ है। ये शाम के टाइम में देख, ये है पलम का पेड़। देखिए अभी पर पलम अभी हरे हैं। टेस्ट करके देखती हूँ ये पलम कैसा है। कलर देखिए येलो बन चुका है और ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत यमी यमी है। कौन कौन खाना चाहता है प्लम तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये देखिए कैसे खुमानी पकी हुई है। ये देखिए वाव, कितना अच्छा लग रहा है शाम का टाइम और ये खेत और डूबता हुआ सूरज। तो गाइज प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। देखिए कितनी सुंदर घास लगी है, हरी हरी, और मैं चप्पल पहन के आई हूँ। मैं देखूँगी कि खुमानी भी है छोटी हुई पेड़ के नीचे की नहीं। ये देखिए ये हमारा एक पेड़ है, इसमें तो अभी खुमानी बिल्कुल हरी है, ये लेट पकने वाली है। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर दूसरे पेड़ के पास, क्योंकि ये जो खुमानी है ना, इसकी गुट्टी कड़वी होती है। जो मैं ये पेड़ आपको दिखा रही हूँ जिसकी गुट्टी कड़वी होती है, ये वो पेड़ है। टाइम से उठा लेना, ये वाला है। आई नो, ये देखिए इसको शक्करपारा बोलते हैं। इसकी अंदर की गुट्टी भी मीठी होती है और ये अच्छी तरह से पक गया है। बाकी हमारी जो जिसकी गुट्टी कड़वी होती है वो खुमानी अभी पकी नहीं है, तो हम आज इनको उठाएंगे। ये शक्करपारा है और बहुत मीठा है। देखिए देखिए, ये पूरी तरह से पकी हुई खुमानी है। देखिए ये वाली खुमानी हमने पेड़ से झाड़ के की है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है, उसमें चढ़ नहीं सकते हैं। ये हमने खाने के लिए पेड़ से निकाल के की है। हेलो गाइस, अभी मैं आपको अंजीर के पेड़ के पास ले जा रही हूँ। ये देखो कितना बड़ा अंजीर का पेड़ है, ये बहुत बड़ा होता है। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि अंजीर किसको बोलते हैं, मुझे तो कुछ टाइम पहले ही पता चला। ये देखिए ये अंजीर का पेड़ है। और जब मुझे भी इस अंजीर के बेनिफिट का पता चला, ये देखिए इसका, तो मैंने भी इसकी सब्जी बनाई। छोटे छोटे
ये अंजीर के जो फल हैं ये छोटे छोटे लेके इसकी सब्जी बनाई, तो आप भी ज़रूर बनाएं। मैं अगली वीडियो में ज़रूर इसकी सब्जी बना के आपके सामने शेयर करूँगी। तो गाइज़ आप सब ने देख ही लिया कि ये देखिए ये अंजीर का पेड़ मैंने आपको दिखा दिया है, इसकी सब्जी होती है। तो गाइज़ खुमानी बस इतनी ही जड़ी थी और हमने थोड़ी जड़ा के की, निकाल के की, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। आपको मैंने खेत तो दिखा दिया, अगर नहीं देखा आपने तो फिर से देखिए। ये था वो हमारा खेत, देखिए ये वो अंजीर का पेड़ है और ये खुमानी पलम, ये देखिए। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर और मैंने आपको अपने खेत की भी सैर करा दी। तो अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो मैं अभी आपको फिर से दिखाती हूँ कि हमारा खेत कितना हरा भरा, कितना हरा हरा है। वाह, और ये शाम का टाइम है, ये देखिए कितना सुंदर है, बहुत हरा, बहुत ज़्यादा हरियाली है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए इसमें कितने बड़े बड़े पेड़ है। ये देखिए गाइस, ये वैसे तो घास है मगर देखने में कितनी सुंदर लग रही है। देखो ये घास है पूरी परे तक। ये देखो इसमें कितने सुंदर फूल लगे हैं छोटे छोटे, और ऐसे लग रहा है जैसे ये लगा के किए, देखिए करके की होगी। देखिए देखिए सारे यही फूल है, देखिए कितना सुंदर है, देखा कितना सुंदर है हमारा हमारे खेत का दृश्य। देखिए अब मैंने सोचा खुमानी तो हो गई, ये देखिए ये घास बहुत गंदी है, अब खुमानी तो मिली नहीं, मिली तो क्या बहुत कम मिली, आई मीन पक्की भी नहीं है। तो अब मैं लकड़ियाँ ले जाती हूँ थोड़ी किरटे में, नहीं तो खाली किरटा क्या ले जाना। अब मैं इसमें ले जाती हूँ लकड़ियाँ थोड़ी, तो ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो गाइस मैंने किल्टा भर दिया लकड़ी से, भर तो क्या थोड़ा सा, थोड़ी सी लकड़ियाँ डाल दी है, मैंने सोचा खाली किल्टा क्या ले जाऊँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। आज मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया, देखो खेत में कि हमारे खेत में कैसे कैसे पेड़ है, कैसी हरियाली है। देखिए तो देख ही रहे होने आप साथ साथ में कितना हरा है। और अब मैं जाऊंगी निचली तरफ है, क्योंकि गर्मी होगी बहुत, इस धातु को लगाने के बाद बहुत गर्मी लगती है। ये देखिए मैं दूसरे पेड़ के पास पहुंच गई हूँ, अंजीर के पेड़ के पास। मैं अभी दिखाऊंगी आपको इसमें, समझे ये थोड़ा छोटा है मगर इसमें भी फल लगे हुए हैं, ये शायद आपको दिख रहे होने, ये देखिए देख रहे होंगे आप। देखिए तो गाइस खेत का सफ़र होता है ख़त्म, अब मैं जाती हूँ घर की ओर, अब मैं निकलती हूँ।
तो गाइज प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। ओके, बाय बाय।